बच्चों स्वागत है थोड़ा सब एक बार फिर सिख्या है पंजाब ते। जिवें कि तुहानू पता है कि असीं सर्कल पढ़ रहे हैं। पिछले सैशन दे विच तुसीं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बारे देखिया सी कि बेसिक सर्कल हुंदा क्या, उहदी इक्वेशन कैसी दिखदी है। हुण असीं गल करांगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सानू असीं सिखांगे कि किवें स्टैंडर्ड इक्वेशन तों जनरल इक्वेशन बनी, ते अगर मैनूं जनरल इक्वेशन दित्ती होवे उस तों मैं किवें सेंटर किवें रेडियस कढ सकदी। ठीक है जी, आओ गल करदे हां। सब तों पहला तुसीं देखो कि सर्कल्स दे विच तुसीं अगर थोड़ा रीकैप कर लो, अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, कि मेरे पास अगर मैनू किसी सर्कल दा सेंटर दिता होया, मान लो सेंटर दिता है एक्स वन कोमा वाई वन, और मैनू अगर रेडियस दिता है ए दे बराबर, तो मेरी इक्वेजन क्या बनती है, एक्स माइनस एक्स वन द स्केयर प्लस वाई माइनस वाई वन द स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर। ये मेरी इक्वेजन ऑफ सर्कल होंगी है, मेरा सेंटर जो मर्जी हो। तो बच्चे हूँ जनरल इक्वेजन की गल करांगे। मैनू सेम इक्वेजन जो मैं पिछे लिखी सी उतों ही क्वेश्चन पिक कर दे, आप कहेंगे कि इन्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो क्योंकि रेडियस के बराबर है। तो तुम कहोगे एक्स माइनस एक्स वन द होल स्केयर प्लस वाई माइनस वाई वन द होल स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर। जो मैं सॉल्व किया, यानी कि एक्स स्केयर प्लस एक्स वन द स्केयर प्लस माइनस ऑफ टू एक्स एक्स वन प्लस वाई द स्केयर प्लस वाई वन द स्केयर माइनस ऑफ टू वाई वाई वन इज इक्वल्स टू ए स्केयर। तो डियर फ्रेंड्स, एक्स वन वाई वन तो ए ये सारे कॉन्सटेंट है, इन्होंने एक नवा नाम दे दें सी। लेट से कि एक्स वन द स्केयर प्लस वाई वन द स्केयर प्लस सी ए द स्केयर, इनू नवा नाम देता सी। तो थोड़े को बन गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, टू एक्स नू नाम दे दो टू जी का, टू एक्स वन तो टू वाई वन नाम दे दो टू एफ का। तो मैं लिख सकती हूँ माइनस टू जी एक्स माइनस टू एफ वाई प्लस सी बराबर है जीरो। तो थोड़े को जनरल इक्वेजन ऑफ सर्कल बन गई, और जो इक्वेजन दिखेगी तो थोड़ा क्लीयरली दिखेगा कि मेरा सेंटर कितने है। तो इतों थोड़ा पता चलिया सेंटर कि बराबर होएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ दे, जाने की बच्चों माइनस हाफ कोफिशेंट ऑफ एक्स कर लो कोमा माइनस हाफ कोफिशेंट ऑफ वाई कर लो, नोट इट डाउन। हुन अगर मैं रेडियस कटना होवे आर, तो आर कि बराबर होएगा अंडर रूट जी द स्केयर प्लस एफ द स्केयर माइनस सी दे बराबर होएगा। अगर मैनू हुन दो फॉर्मूले पता चले कि जेड़ी भी मेरे को इक्वेजन होएगी, मान लो मेरे को इक्वेजन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं यदा सेंटर दसूंगी तो मैं थोड़ा कहूँगी कि एक्स का कोफिशिएंट जिन्ना भी यदा हाफ कर लो, यानी कि माइनस हाफ, तो किन्ना आ गया एक, और वाई के कोफिशिएंट का एक, तो मेरा सेंटर बन गया। और अगर यदा रेडियस कटना होंदा, इतने थोड़ी कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी, इनू वन ले लो या फिर, ठीक है जी, तो थोड़े को बन जाएगा अंडर रूट वन प्लस वन माइनस वन, तो रेडियस कितना आ गया बच्चों वन। क्लियर है, ये इस तरह हेल्पफुल। नोट डाउन करो कि फॉर्मूला मैंने क्या क्या समझा है। हुन यही जो तुम जनरल इक्वेशन का कंसेप्ट समझा कि मैनू सेंटर पता चल गया किदे बराबर होंगे, मैनू रेडियस पता चल गया किस दे बराबर होंगे। हुन यही दो फॉर्मूला लेके मैं चलूँगी। मैनू क्वेश्चन दिता है अ सर्कल स्केयर इज इंस्क्राइब इन द सर्कल, एक स्केयर नू सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया जिसकी इक्वेशन थोनू दिती हुई है। एक जनरल इक्वेशन है, इट्स साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसके साइड ने कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल ने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ स्केयर, चारों कोऑर्डिनेट स्केयर के वर्टिसेस कढ़ने ने, यानी कि थोनू पूछे कि इन्हों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर ये सर्कुम सर्कल है। डियर फ्रेंड्स, इतने कितने सेंटर होएगा, और अगर मैं इनू एकदम मार्क कर दा तो थोनू पता है कि सेंटर जिथे भी होएगा साइडा नू बाइसेक्ट कर रहा होएगा। ग्रेट, हुन अगर ये सर्कल है तो इसका सेंटर कितने होएगा बच्चे, माइनस हाफ कोफिशेंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस एक, माइनस हाफ कोफिशेंट ऑफ वाई माइनस दो। तो ये जो सेंटर है इसका पॉइंट आ गया माइनस एक कोमा माइनस दो, तेरा रेडियस अंडर रूट माइनस एक का स्केयर एक माइनस दो का स्केयर चार, कॉन्सटेंट नू माइनस कर दो सी, तो थोड़े को कितना बनया अंडर रूट
पांच माइनस तीन जाने की रूट दो। तो डियर स्टूडेंट्स अगर तुसी देखोगे तो ये मेरे को रूट दो बन गया, ए वाला डिस्टेंस भी रूट दो हो गया। ठीक है जी, अगर दो साइड बराबर है तो 90 डिग्री होएगा, अगर क्योंकि पर 45 है तो 90 होएगा। अगर पाइथागोरस लगाओगे तो रूट टू द स्केयर ए वाली साइड मेरे को दो दे बराबर आ गई, ये पूरी साइड दो दे बराबर आ गई। हुन तुसी की सीखा कि आ वाला पॉइंट जो है बाइसेक्ट करे, यानी कि ये डिस्टेंस भी वन है, ये डिस्टेंस भी वन है, स्केयर है तो ये सारे डिस्टेंस वन वन दे बराबर। तो बच्चे अगर ये पॉइंट माइनस एक माइनस दो है तो इसका मतलब तुसी माइनस एक तो पीछे गए तो ये वाली जिहड़ी लाइन है ये जीरो तो शुरू हो रही होएगी। हुन अगर ये माइनस दो ते है थोड़ा नीचे, माइनस दो तो नीचे वाला कोऑर्डिनेट माइनस तीन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये माइनस तीन ही रहेगा और अगर ये माइनस एक ते लाइन जा रही है तो ये लाइन कितने जाएगी अगली, माइनस एक तो नेक्स्ट वाला पॉइंट, माइनस एक तो पीछे था जीरो सी, माइनस एक तो नेक्स्ट वाला पॉइंट माइनस दो, तो माइनस दो कॉमा माइनस तीन। गल क्लियर है जी। ओमे ही हूँ वाई एक्स एक्सिस से थोड़ा पता चल गया कि जीरो है। हूँ अगर ये पॉइंट माइनस एक सी ये तो ऊपर चले गए तो किन्ना ऊपर जाऊँगे, ये लाइन माइनस तीन है माइनस दो है तो माइनस एक की लाइन होएगी। बच्चों अगर ये माइनस दो हो गया और ये माइनस एक, क्या तुसी चारों कोऑर्डिनेट विदाउट कैलकुलेशन समझ पाए कि मेरे को क्या आएंगे। ओमे ही एक होर क्वेश्चन सोचते कि एक स्केयर है सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, वेदर साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द स्केयर। ठीक है जी, स्केयर एक करंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। विच इज़ नियरेस्ट टू द ओरिजिन, सब तो पहला माई डियर फ्रेंड्स ये सेंटर कटो, सेंटर कितना आ गया हूँ तो सबन पता है, एक्स के कोफिशियंट का माइनस हाफ जाने कि तीन, y दे कोफिशियंट दा माइनस हाफ माइनस चार। रेडियस कटन की कोशिश करते हैं, यानी कि 9 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 103 कितना आ गया जी, अंडर रूट दे विच 16 ते 9 25 ते 103 128 128 दा मतलब आ गया 8√2। तो इन द सेम वे थोनू ये पता चल गया कि इहदा जिहड़ा सेंटर सी वो पॉइंट मेरे को आ गया 3.-4। राइट डियर फ्रेंड्स, और इसका जो रेडियस है वो भी 8√2 है और ये भी 8√2 है। जो पाइथागोरस लाया तो आ डिस्टेंस मेरे को कितना आ गया डियर फ्रेंड्स 8 दे बराबर, जाने कि ये 4 दे बराबर 4 और ये भी 4 ये भी 4। हुन तुसी की करना है, सेम प्रॉब्लम है, सेम चीज़ लगानी है, तुसी उन्हां नू उसी डिस्टेंस से लेके जाना है, जाने कि ये तीन वाला पॉइंट है, ये तीन वाली लाइन है, तीन तो चार पीछे चले जाओ, माइनस एक का होगा तो माइनस एक हो गया, तीन तो चार अगे चले जाओ 7 हो गया, ओमी माइनस चार तो चार नीचे आए 0 हो जाऊगा, माइनस एक कौमा 0 7 कौमा 0। ठीक है बच्चों, इन द सेम वे माइनस चार तो चार ऊपर, माइनस चार तो अगर चार ऊपर जावेंगे फिर जीरो बनेगा, माइनस चार तो चार नीचे जावेंगे माइनस 8 आएगा। ओमे माइनस चार तो चार ऊपर गए, माइनस चार तो चार डिस्टेंस जोड़िया ओरिजन, तो माइनस 1.0 हो गया और ये वाला पॉइंट थोड़े को कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स 7.0। क्लियर है जी, ए साढ़े कोले हुण तुसी क्या करना है, ओरिजन तो चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस कट के देख लो, जेड़ा डिस्टेंस कट तो कट होएगा उसका आंसर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज 27√3 तो सी दी वैल्यू दसदी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया सी, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वह जेड़ा भी सेंटर होएगा वो थोड़ा क्लीयर कट है कि इन सेंटर जेड़ा भी सेंटर सेम रहेगा, सर्कुम सेंटर का सेंटर भी वही रहेगा। तो बच्चे का सेंटर कितना आ गया, माइनस 5.-6 के बराबर आ गया।
इक्वल एट द ट्राइंगल का एरिया कितने बराबर होंगे रूट थ्री बाय फोर ए स्केयर कि बराबर आ गया 27 रूट थ्री ए कट गया तो ए स्केयर की वैल्यू कि आ गई 27 इंटू फोर यानी कि ए की वैल्यू आ गई 6√3 तो मैं साइड पता चल गई इक्वलेटरल ट्राइंगल की कि बराबर है 6√3 के अगर इक्वलेटरल ट्राइंगल है तो यह अद्धा एंगल 30 डिग्री के बराबर होएगा और ये बाइसेक्ट हो रही होएगी तो ए साइड कि आ गई राजे 3√3 मैंने कढ़ना की है रेडियस तो तुसी कह सकते हो कि जेड़ा मेरे को कोस 30 है वो 3√3/r के बराबर होएगा कोस 3 की वैल्यू होंगी √3/2 तो 3√3/r √3 गया तो r की वैल्यू आ गई 6 थानू रेडियस पता चल गया थानू सेंटर पता चल गया तो इक्वेजन लिखो सर्कल की x+5 2 प्लस वाई प्लस 6 का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 36 तो बच्चे एक्स स्केयर प्लस 25 प्लस 10x प्लस वाई स्केयर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल्स टू 36 36 ना 36 कैंसल तो देखो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू बची है 25 तो सी का आंसर कितना आ जाऊगा जी 25 जबरदस्त वाले क्वेश्चन सी हूँ इस क्वेश्चन बारे सोचते हैं क्वेश्चन की कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोकस ऑफ द सर्कल कढ़ो जिसका रेडियस 1 यूनिट है इस सर्कल का लोकस कढ़ना जो ये बन रहे हैं डॉटेड वाला विच रोल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्कल ए इंटरनल सर्कल का तुम दिता है यानी कि यदा रेडियस जो है सर्कल का सेंटर वो कि दिता हुआ बच्चे -3/2, 3 इधर रेडियस कितना आ जाऊगा इंटरनल वाले का 9/4 + 9 + 9 यानी कि अंडर रूट अगर 9 चो 3 बाहर आ गया तो थोड़े को 1/4 + 2 इट मीनस 3√ कि बनया जी 9/4 इट मीनस मेरे को आ गया 9/2 तो माई डियर स्टूडेंट्स ए वाला रेडियस मेरे को 9/2 आ गया और ए वाला रेडियस मेरे को 1 यूनिट आ गया तो टोटल रेडियस आर 9/2 + 1 यानी कि 11/2 सेंटर सेम रहेगा क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल ने सेंटर सेम रहेगा क्योंकि ओदे ऊपर ही रोल कर रहे हैं सिर्फ 1 डिस्टेंस ज़्यादा हुआ है तो इट मीन्स मैनू सेंटर पता चल गया मैनू रेडियस पता चल गया मैं इक्वेजन सर्कल बना के फटाफट आंसर मार्क कर सकती हूं बोलो डियर स्टूडेंट्स ये साड़ी कुछ गल सी जो असी सीखिया कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होंगी है तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल थोड़ा चंगी तरह आ जाएगा तो अगली क्लास का जो सारा टॉपिक होएगा कि अगली क्लास असी की सीखन वाले हैं अगली क्लास में असी गल करांगे कि अगर मैनू कोई 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट दिते होंगे यानी कि अगर मैनू कोई 3 पॉइंट दिते हुए ने तो इन्ना चो मेरा सर्कल पास होए तो उन्हां दी इक्वेजन क्या बनेगी द नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होएगा फाइंडिंग द इक्वेजन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट इस बारे गल करांगे तो आज का जो टॉपिक सी असी जो गल की असी सीखा कि जनरल इक्वेजन ऑफ सर्कल क्या होंगी तो उन्होंने बेस से कॉम्बीनेशन लेवल के प्रश्न क्या बनते हैं बेसिक तो सेम ही रहता है कि हाँ सेंटर कट दो रेडियस कट दो बट अगर उस तो लेवल तो उपर उठीए तो मैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते जो थोड़ा स्केयर वाले ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन दसे गए हैं उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो के टॉपिक थोड़ा दसते कि करेंगे ज आप करेंगे जनरल इक्वेजन के बेस से ही 3 पॉइंट वाले सर्कल को करेंगे कि अगर मैंने 3 पॉइंट दिते हो तो मैं इक्वेजन सर्कल किमें सीखूंगी थैंक यू जी अगर जी किसी ने हाले तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो शेयर कर दो तो सबसक्राइब कर दो थैंक यू एवरीवन